कलबुर्गी के समस्त नागरिक और आवाम को शरण आईटी का नमस्कार और सलाम। आज का दिन हॉट टॉपिक है, क्या बोले तो 23 तारीख कॉरपोरेशन का मेयर डिप्टी मेयर का इलेक्शन होने वाला है। वो इलेक्शन में नाजायज 4 एमएलसी और 1 राज्यसभा मेंबर वोट डालने वाला है। वो लोगों का प्रूफ मैं रिलीज़ कर रहा हूँ, बोले तो वो लोग नॉन लोकल है, सिर्फ मैं लोकल हूँ बोल के रेंट अग्रीमेंट कोर्ट में प्रोड्यूस करके वोटिंग पावर लिए सो है। मेरे पास गवर्नमेंट रिकॉर्ड प्रूफ है कि वो लोग नॉन लोकल है बोल के, मैं वो आपको रिलीज़ करने वाला हूँ सब कलबुर्गी लोगों के लिए, आवाम के लिए। मैं आप देखिए, ये गवर्नमेंट का कार्यक्रम का फोटो है। हाँ बोले तो कौन से भी गवर्नमेंट का प्रोग्राम करते हैं डीसी ऑफिस से, उधर एक प्रोटोकॉल तहसीलदार बोल के रहते हैं, प्रोटोकॉल तहसीलदार कौन सा भी प्रोग्राम करें दो जिला में सिटी में, वो कौन कौन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है उनका लिस्ट देते हैं, वो लिस्ट के ऊपर सबको इनवाइट करना वो प्रोग्राम को कंपलसरी बोल के रहता। आप ये लिस्ट में देखिए, इधर ये लिस्ट में कौन 4 नाजायज एमएलसी है ना, वो वोट करना आ रहे कलबुर्गी का लोकल है बोल के ना, वो चारों लोगों का नाम नहीं है। वो चारों एमएलसी का नाम बताता हूँ मैं, लक्ष्मण सऊदी, भारती शेट्टी, तुलसी मुनिराजू और रघुनाथ मलकापुरे, ये 4 जने हैं ना, 4 एमएलसी का नाम नहीं है। और एक राज्यसभा मेंबर है लहर सिंह बोल के, उनका भी नाम नहीं है। आप देखिए ये लिस्ट में, बोले तो ये एक ही नहीं इन्विटेशन, मेरा पास 10 प्रोग्राम का इन्विटेशन है एक साल से। लास्ट कॉरपोरेशन इलेक्शन हुआ ना, उससे अब तक गुलबर्गा सिटी डिस्ट्रिक्ट में प्रोग्राम किए ना, वो सबका इन्विटेशन मैं आपको रिलीज़ कर रहा हूँ। हाँ कौन कौन सा प्रोग्राम बोले तो इंडिपेंडेंस डे 2022 का और 2023 का, रिपब्लिक डे और कल्याण कर्नाटक उत्सव बनाए लास्ट 15 दिन पहले उसका, और उससे पहले हैदराबाद कर्नाटक विमोचन दिनाचरण बनाए उसका, ऐसे सारे बहुत सारे प्रोग्राम में कहाँ भी वो लोगों का इन्विटेशन में नाम नहीं है। क्यों बोले तो वो लोकल के रहते बोले तो तहसीलदार कौन प्रोटोकॉल रहते हैं ना डीसी ऑफिस में, उन्हें सीधा सीधा लिस्ट देते और उनको भी इनविटेशन कर देते और उनको भी गेस्ट बोल के डालते। आप इधर देखिए, सभी एमएलसी को डाले सो है, कौन कौन, सुनील वल्लापुरे, बीजी पाटिल, सुशील नमोशी, चंद्रकांत पाटिल हमनाबाद, साहिबाना तलवार बोल के, ये 5 जने एमएलसी का डाले सो है, बट ये 4 जने एमएलसी का नहीं डाले सो है। ये सीधा सीधा मैं प्रूफ आपको रिलीज़ किया हूँ। वो छोड़ के भी कॉरपोरेशन इलेक्शन हो रहा ना, मेयर डिप्टी मेयर, उसमें टोटल वोटर लिस्ट बनाया सो है कॉरपोरेशन वाले, आरसी सर को सबमिट किए सो है, टोटल 70 मेंबर, 70 मेंबर्स का, 70 मेंबर में उनका हिसाब से मैं बताया ना, 4 एमएलसी बाहर का नॉन लोकल और एक राज्यसभा मेंबर नॉन लोकल लहर सिंह, ये 5 नंबर का पकड़ के बीजेपी के साथ पास 35 वोटर्स है, 35 उनका बलाबल 35 है और नॉन बीजेपी का भी 35 है, बोले तो दोनों का इक्वल हो रहा नॉन बीजेपी बीजेपी। नॉन बीजेपी में कांग्रेस का 31 हो रहा और जेडीएस का 4, कांग्रेस में 31 में 28 जीते सो, एक एमएलए खनिज फातिमा मैडम और एक एमपी मल्लिकार्जुन खड़गे जी और एक चंद्रशेखर पाटिल एमएलसी, तीनों मिला के 28+3 31 हो रहा और 4 जेडीएस 35 हो रहा। और रही बात बीजेपी का, बीजेपी का 22 लोग जीते कॉरपोरेटर, अभी 13 उनका एमएलए एमपी एमएलसी है, एमपी में एक लोकल है एक नॉन लोकल है, लोकल उमेश यादव, डॉक्टर उमेश यादव जी है और नॉन लोकल लहर सिंह जी है। और रही एमएलसी, एमएलसी में 5 लोकल है, ये टोटल कितना है बोले तो 13 है, उसमें एमएलसी देखिए 8 है, 4 लोकल 4 नॉन लोकल, 4 लोकल बोले तो बीजी पाटिल नमोश्री जी और सुनील वल्लापुरे बाबराव चिंचनसोर, ये 4 लोकल है। और नॉन लोकल का तो ये 4 में बताया, लक्ष्मण सऊदी, भारती शेट्टी, तुलसी मुनिराजू और रघुनाथ मलकापुरे। आप कहाँ भी पूछिए गुलबर्गा में, कौन सा भी पॉलिटिशियन को पूछिए, सभी एमएलसी क्या करते हैं बोले तो उनका करोड़ों रुपए फंड रहता साल को, वो फंड क्या करते हो ना,
खर्चा करते हैं, उन्हों कहाँ रहते हैं लोकल और आजू बाजू कॉन्स्टेंसी में कहाँ उन्हों कंटेस्ट करते रहते हैं, ग्रेजुएट है बोले तो कितना ग्रेजुएट कॉन्स्टेंसी में तालुका आता जिला आता उसको खर्चा करते हैं, शिक्षक रहा टीचर्स वो है तो कितना तालुका जिला आता ना उधर खर्चा करते, नमोशी जी भी वैसे ही करते और ग्रेजुएट का चंद्रशेखर पाटिल कांग्रेस उन्होंने भी वैसे कर रहे, बीजी पाटिल सर भी स्थलीय संस्थे बोले तो कौन कौन चुनावित प्रतिनिधि से जीते ना उन्होंने कॉरपोरेटर झड़पी और विलेज के ग्राम पंचायत मेंबर के उधर खर्चा कर रहे ये लोग सभी, सुनील वल्लापुरी जी भी कर रहे, बट ये चार नॉन लोकल MLC है ना, मैं सीधा सीधा पूछना चाहता हूँ आप चारों जने गुलबर्ग के लिए क्या खर्चा किए वो फंड MLC फंड, आप सिर्फ वोट करने आ रहे चारों जने MLC और एक राज्यसभा मेंबर, आप कहाँ खर्चा किए वो पब्लिक को बताना, बता के आप वोट करना, नहीं तो हम लोग सभी कलबुर्गी के वोटर से कॉरपोरेशन में लिमिट में आते ना आप सब हमको सीधा सीधा पूछ रहे और बोल रहे कि आपका हक नहीं बनता है आप नॉन लोकल है बोल के, वो भी एक उनका साजिश है BJP का, वो छोड़ के भी थर्ड वन गुलबर्गा में इतना सारे MLC MLA सभी मिलके कितना हो रहे बोले तो BJP का 13 हो रहे MP MLA MLC और कांग्रेस का 3, टोटल 16 लोग टोटल गुलबर्गा में MP MLA MLC है बोले तो बहुत बड़ा बात है, कहाँ भी कर्नाटक में इतने लोग नहीं है, फिर कहाँ है गुलबर्गा डेवलपमेंट हुआ आज आप देख रहे गुलबर्गा कैसे है बोल के, अच्छा पीने का पानी नहीं मिल रहा, फिर आप 16 लोग हम है बोल के वोटर में एनरोलमेंट करके वोट करने आ रहे सभी वोट कर रहे बोले तो गुलबर्गा कहाँ पे है, हाँ BJP गए MLA इलेक्शन में बताया था कि हम स्मार्ट सिटी करेंगे गुलबर्गा और डबल इंजन सरकार होगा, सेंट्रल में मोदी है स्टेट में BJP आए तो हम स्मार्ट सिटी करेंगे बोल के, स्मार्ट सिटी कहाँ है भाई आपका, 5 साल से लोग इंतज़ार कर रहे स्मार्ट सिटी नहीं कुछ नहीं, सिर्फ सब लोग पैसा कमाना भ्रष्टाचार करना, उन्होंने उनका घर में पैसा जमा करने का छोड़ के उनका फॉलोअर का घर में पैसा जमा करना छोड़ के कुछ भी नहीं किया, हम कंडेम करते हैं कि आप लोग सियासत को एक बच्चे का खेल बोल के समझ के बच्चे का खेल खेले सरकार कह रहे, ये पब्लिक का श्राप है आप लोगों को, क्यों बोले तो सभी पब्लिक वोट डाल के कॉरपोरेटर को चुन के लाए से रहते कॉरपोरेटर मेयर को चुनते, ये सीधा सीधा है वो छोड़ के आप इलीगल तरीके से मेयर बनना बोल के BJP आपका श्रम कर रहे हैं, इलीगल वे से आप जीत के अधिकार पकड़ना बोल के चाह रहे, ये हम कलबुर्गी के आम नागरिक हम इसके अगेंस्ट है बोल के मैं बोलना चाहता हूँ, जय हिंद। इससे पहले भी कोर्ट में गए थे कांग्रेस वाले और वो तो अभी जो एड एक्स्ट्रा कर रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, आप भी क्या कोर्ट को जाएंगे क्या? देखिए कोर्ट का ऑर्डर को हम रेस्पेक्ट करते, कोर्ट का ऑर्डर को हम रेस्पेक्ट करते, बट हम ये बताना चाह रहे लोगों को आवाम को BJP रॉन्ग रूट पकड़ के 4 MLA नॉन लोकल को लाके लोकल में है बोल के रेंट एग्रीमेंट बना के कोर्ट में प्रोड्यूस किया ना उसके खिलाफ है हम, क्या बोले तो वो लोकल है बोल के बोल रहे हैं ना, हम भी एक मिनट के लिए मानेंगे बट वो लोगों का खर्चा किए सो बजट कहाँ है गुलबर्ग के लिए खर्चा किए क्या, ये मैं सीधा सीधा BJP वाले को पूछना चाहता हूँ। अभी आप अगर बने तो क्या करेंगे आगे आगे? देखो जी हम उस दिन गुलबर्गा के सभी नागरिक को मैं एक कॉल दे रहा हूँ, सभी हम वो नॉन लोकल 4 MLC आते ना और एक राज्यसभा मेंबर लहर सिंह आते ना वो लोगों को वोट मत डालिए बोल के रिक्वेस्ट करेंगे हम और उनको बोलेंगे आप नॉन लोकल है बाहर जाइए आप इधर मत आइए क्योंकि इधर सिर्फ गुलबर्गा का लोग का भलाई के लिए कॉरपोरेशन है, कॉरपोरेशन से डेवलपमेंट काम चाहिए, आप नॉन लोगों को लोकल को कुछ पता नहीं रहता लोकल इशू क्या है बोल के।